हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबके लिए देखिए कितना प्यारा सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये हर स्वेटर पर डालने वाला डिजाइन है, जैसे कार्डिगन पर, स्वेटर पर, लेडीज जेंट्स किसी भी स्वेटर पर डालिए, बहुत ही प्यारा लगता है ये डल के। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि ये बना कैसे है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करती हूँ इस डिजाइन को बताना। देखिए, सीधे की तरफ ये है और पीछे की तरफ से ये इस तरह दिखेगा और सीधे की तरफ से इस तरह दिखेगा। कितना सुंदर लग रहा है ये डिजाइन। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, ये पहला रो है तो हम यहाँ पर ये देखिए, एक दो तीन चार, ये चार फंदा उल्टा ले लिए फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर हम दो फंदा सीधा लेंगे, फिर देखिए धागे अपने तरफ और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ फंदा उल्टा हो गया, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर फिर हम दो फंदा सीधा लेंगे और फिर देखिए ये एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी। इधर किनारे पर चार फंदा और चार फंदा इस किनारे, और बीच में आठ फंदा उल्टा है और चार चार फंदा दोनों किनारे में उल्टा है, और बीच में दो फंदा यहाँ पर सीधा है, दो फंदा यहाँ पर सीधा है। अब आगे करो, देखिए दूसरा रो, दूसरा रो हम पीछे की तरफ से पूरा सारा फंदा उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब तीसरा रो है, ये सीधे की तरफ से आ गया, उल्टे के साइड का कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से इसको फिर हम उसी तरह रिपीट करेंगे जैसे मैंने पहले बताई थी। यहाँ पर हम तीन चार फंदा ये उल्टा ले लिए, ये वाला फंदा लेकर चार फंदा है, और फिर धागे पीछे दो फंदा उल्टा सीधा और आठ फंदा उल्टा लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदा उल्टा सीधा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, और फिर यहाँ पर हम दो फंदा सीधा लेंगे, फिर धागे अपने तरफ। अब यहाँ पर हम चार फंदा उल्टा लेंगे, पीछे का रो सेम उसी तरह बुनना है, उल्टा उल्टा। अब देखिए, फिर सीधे की तरफ से उसी तरह हम रिपीट करेंगे इसको। ये छह सिलाई बुनने के बाद फिर हम इस डिजाइन को चेंज करेंगे, क्योंकि ये तीन सिलाई सीधे की तरफ से और तीन सिलाई उल्टे की तरफ से, तो छह सिलाई हो जाएगा ये। तो छह सिलाई सेम ही बुनना है, सीधे की तरफ से भी और उल्टे के साइड से भी। ये देखिए, तीन सिलाई सीधे की तरफ से हो गया, इसी तरह इसको दोहराना है, और फिर पीछे की तरफ से हम सारा फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए, पीछे का रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से चौथा सिलाई है, तो ये देखिए सीधे की तरफ से ये चौथा सिलाई है। देखिए, हम इसको इस तरह बुनेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, धागे पीछे, ये देखिए एक एक फंदा सीधा। अब यहां पर हम दो को एक करेंगे, दो को एक किए
अब यहाँ पर देखिए धागे अपने तरफ। अब इस फंदा में हम फंदा देते हुए इसको बुनेंगे यानी जाली देंगे यहाँ पर, और फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागे अपने तरफ। अब इस फंदा को लेकर इसी सिलाई पर हम पलट लेंगे, पलट के दो को एक करेंगे ये फंदा देते हुए। ये देखिए इस तरीके से जाली देते हुए, उसके बाद देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा बुन लिए। बुनने के बाद अब हम इन दो फंदे को एक करेंगे, इन दो फंदे को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, फिर धागे अपने तरफ। अब यहाँ पर फिर हम एक जाली देंगे, ये देखिए फिर इस फंदा को हम सीधे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, ये फंदा देते हुए दो को एक कर दिए, फिर अब इन दो फंदे को हम सीधा सीधा बुन कर कम्प्लीट करेंगे। पीछे का रो सेम ही बुनना है, उल्टा सारा फंदा उल्टा बुनना है। ये देखिए ये पीछे का रो पूरा कम्प्लीट हो गया। अब सीधे के तरफ से देखिए इसको, फिर उसी तरफ हम दोहराएंगे इसको। ये देखिए अब यहाँ पर हम एक फंदा ये किनारे का फंदा ले लिए, अब यहाँ पर फिर हम दो को एक करेंगे, इन दो फंदे को लेकर एक करेंगे, धागे अपने तरफ। अब हम इस फंदे में जाली देते हुए इसको बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार, ये चार फंदा सीधा हो गया, धागे अपने तरफ। अब देखिए फिर इस फंदे को लेकर हम इसी सिलाई पर ले लेंगे सीधा करके, और दो को एक करेंगे। ये देखिए दो को एक कर दिए जाली देते हुए, फिर इस फंदा को बुनेंगे। अब यहाँ पर फिर हम दो फंदा सीधा बुन लिए। अब देखिए इन दो फंदे को लेकर हम एक करेंगे, दो को एक कर दिए, फिर अब हम इसमें जाली देंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर धागे अपने तरफ, इस फंदे में हम जाली देंगे इसको। पीछे का रो सेम ही बुनना है। ये देखिए पीछे का रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए इसको, ये देखिए फिर हम उसी तरह दोहराएंगे इसको। अब यहां पर हम दो को एक करेंगे और धागे अपने तरफ, इस फंदे में जाली देते हुए इसको बुनेंगे। फिर धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर हम इस फंदे को उठाकर इसी पर ले लेंगे सिलाई पर, और दो को एक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर भी हम एक जाली देते हुए इसको बुनेंगे। अब देखिए फिर सीधे की तरफ से इसको इस तरह बुनेंगे हम। अब ये देखिए ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए ये किनारे का है तो इसको इसी तरह ले लिए। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदा उल्टा ले लिए, फिर धागे पीछे। अब यहाँ पर हम दो फंदा सीधा लेंगे, फिर धागे अपने तरफ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये देखिए इधर आठ फंदा, इधर आठ फंदा हो गया, बीच में दो फंदा सीधा हो गया। अब आगे देखिए आगे फिर पीछे के साइड उसी तरह बुनेंगे। ये देखिए पीछे का रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से फिर हम इसी तरह दोहराएंगे, ये
सीधा पर सीधा और उल्टा पर उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर ये दो फंदा सीधा, आठ फंदा उल्टा, आठ फंदा इधर उल्टा और दो फंदा बीच में सीधा। तो सीधा पर सीधा और उल्टा पर उल्टा दोहराते हुए इसको बुनेंगे इस तरह। एक दो तीन, तीन लाइन बुनना है जिसमें कि एक लाइन कंप्लीट हो गया है, दो लाइन और हम बुनेंगे सेम उसी तरह। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा डिजाइन ये। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, जैसे कि यहाँ तक ये बन गया, अब यहां से फिर हम इस चीज को निकालेंगे, यहां पर इस चीज को यहां पर निकालेंगे, फिर उसके बाद इस तरह निकालेंगे। तो ये देखिए इसी तरह आएगा बन के। इस तरह का ये डिजाइन है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज प्लीज। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आप सबको डिजाइन कैसा लगा। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सबके साथ।